नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े नेता ने भारत पर बड़ा आरोप लगाया है, आरोप भी कोरोना टेस्ट को लेकर, और कहा कि हमें कोई भरोसा नहीं भारत में हो रहे टेस्ट पर, यानी कि जो कोरोना के जो टेस्ट चल रहे हैं भारत में उस पर उन्हें कोई भरोसा नहीं है। ये बात उन्होंने क्यों कही है उस पर जाने से पहले, वो पूरी बात बताने से पहले मेरी आपसे छोटी सी अपील है कि अगर अभी तक आपने हिंद वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस बड़ी खबर की तरफ जो ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। देखिए, इस वक्त देश में IPL भी चल रहे हैं, हालांकि IPL में दर्शक खेल नहीं देख रहे हैं, लोगों को सिर्फ TV पर ही देखकर अपने आप को संतुष्टि देनी पड़ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी बहुत सारा स्टाफ होता है, बहुत कुछ होते हैं, ऐसे में ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी भी यहाँ पर हैं। और ऑस्ट्रेलिया से भारत में जो दौरा है लोगों का बिजनेस को लेकर या पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर, जो दोनों दो से ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे स्टूडेंट भी जाते हैं और वहाँ से बहुत सारे लोग इधर भी आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में होता है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के एक प्रीमियर हैं, जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के एक राज्य है वहाँ के प्रीमियर हैं, जिनका नाम है मार्क मैकगोवन। उन्होंने ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया से लौट रहे यात्रियों के लिए भारत में हो रहे कोविड के टेस्ट के नतीजे या तो सही नहीं है या फिर भरोसेमंद नहीं है, छिपाए जा रहे हैं, ये उनका आरोप है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया की व्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ रहा है और नई मुश्किलें पैदा हो रही हैं। उन्होंने ये बात उस दौरान कही जब भारत से लौटे 4 यात्रियों का कोविड पॉजिटिव पाया गया। इन चारों को पर्थ के एक होटल में क्वारंटीन में फिलहाल रखा गया है। इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि ये वे लोग वहाँ से एक तरह का फेक सर्टिफिकेट दिखाकर हवाई यात्रा कर रहे हैं, जैसे अगर वहाँ जाकर जब उनका टेस्ट हुआ तो उसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं। एक स्थानीय टेलीविजन न्यूज़ चैनल से बात करते हुए मार्क मैकगोवन ने कहा कि आज सवेरे हुई टीम का आपात बैठक में मुझे बताया गया कि एक उड़ान से ऑस्ट्रेलिया आए 79 में से 78 यात्री भारत गए थे और हमारा ये अनुमान है कि इनमें से अधिक कोविड पॉजिटिव पाए जा सकते हैं, क्योंकि 4 जिनका टेस्ट किया था वो पूरे के पूरे पॉजिटिव पाए गए थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऑस्ट्रेलिया आने वाले अधिकांश लोग जो वायरस से संक्रमित हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि वहाँ की व्यवस्था में बहुत सारी खामियां हैं। उन्होंने सवाल किया कि यात्रा करने वाले लोगों के टेस्ट के नतीजे अगर गलत हैं, फिर वो गलत रिपोर्ट पेश कर उड़ान तक पहुँच रहे हैं, तो इसकी पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। इसी कारण यहाँ हम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मैकगोवन ने ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों से अपील की है कि बेहद ज़रूरी न होने पर वे भारत की यात्रा ना करें। फिलहाल भारत की यात्रा पर रोक लगा दी है एक तरह से कई सारे और देशों ने, और उन्होंने भी अपील की है अपने नागरिकों से कि आप लोग यात्रा ना करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो तब भी ना करें। फिलहाल की हालत ऐसी है क्योंकि जो वो लोग वहाँ से आ रहे हैं उनके टेस्ट जो हो रहा है वो पॉजिटिव पाया जा रहा है, और फिर उन्हें यात्रा करने की अनुमति भारत से मिली कैसे, सवाल ये खड़ा कर रहा है। यानी कि वो सवाल यहाँ के व्यवस्था सिस्टम पर कर रहे हैं, जिस सिस्टम का बार बार जिक्र हो रहा है। तो क्या सिस्टम फेल हुआ है, तो किस कारण से हुआ है, उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि पर्थ में कोरोना संक्रमण का जो पहला मामला दर्ज किया गया है, वो यात्री हाल ही में भारत में एक शादी में शामिल होने आया था। पर्थ एक सिटी है वहाँ पर एक यात्री को जो भारत से गया वो संक्रमण का शिकार पाया गया, पॉजिटिव पाया गया, और उससे ये अंदाज़ा लगा रहा है, मीडिया में ये खबर चल रही है वहाँ की, कि वो यात्री भारत में आया था और एक शादी में शामिल होने के लिए आया था। यानी कि ऑस्ट्रेलिया का मीडिया इस वक्त लगातार भारत में हो रहे कोरोना के टेस्ट, कोरोना की व्यवस्था पर पूरी नज़र बनाए रखे हुए हैं। वहाँ का जो मीडिया दिखा रहा है, खैर वो भारत का मीडिया तो हमारा तो नहीं दिखाएगा, वो एक अलग चीज़ है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने यह भी वादा किया कि वो भारत के लिए ऐसे में मदद भेजेगा जिसमें इक्विपमेंट, ऑक्सीजन वगैरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वेंटिलेटर से लेकर और काफ़ी सारी मेडिसिन में वो भारत की हेल्प करने वाला है। वैसे ही बहुत सारे देश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में ये सवाल खड़ा करना कि भारत के टेस्ट जो हो रहे हैं उन पर भरोसा नहीं है, तो फिर उन्हें कौन परमिशन दे रहा है यात्रा करने की? क्या सिर्फ एक तरह से भाग रहे हो कि भारत में कहीं वो शिकार ना हो जाए, लेकिन शिकार हो रहे हैं गलती से और वहाँ जाकर जब टेस्ट हो रहा है तो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये एक तरह की खतरे के ओर इशारा किया है। इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि आज से 3 हफ्ते के लिए ऑस्ट्रेलिया से सीधी उड़ान बंद कर दी गई है भारत के लिए। वहाँ के प्रधानमंत्री जो है स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने भारत से सीधी यात्रा करने वाली जितनी फ्लाइट थी 3 हफ्ते के लिए उन्हें बंद कर दिया गया है, और अगली तारीख आने तक 15 मई तक उन्होंने बोला कि उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि कब इन उड़ानों को दोबारा से खोला जाएगा। अभी एक तरह से बड़ी और मुश्किल खड़ी हो गई है कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया से भारत या भारत से ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे अपने बिजनेस की वजह से, एजुकेशन की वजह से, अब वो नहीं जा पाएंगे।
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने बहुत सीधे सीधे सवाल खड़ा किया सिस्टम पर कि भैया बिना सर्टिफिकेट के ऐसे फेक सर्टिफिकेट के कारण वो हवाई यात्रा कर कैसे रहे हैं, कि अगर वहाँ जाके टेस्ट होता है तो फिर से वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है कि ऐसी परमिशन देश में दे कौन रहा है। आप लोग सचेत रहें, ज़रूरी हो तो ही बाहर ना निकले और ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बाहर निकले, ना निकले मैं तो ये कहता हूँ, जो चीज़ जितना पॉसिबल हो घर पर रहें। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मिलता हूँ किसी और एपिसोड में।